Hey guys, this is Barak Aman. As you can see, जैसा कि इसका हिस्ट्री बोलता है कि इसे बारा कमान एक्चुअली कहा जाता है, बट ये बारा कमान है नहीं, एक्चुअली इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है। इसका छत तक शायद बन के गिर गया है या बना ही नहीं है, आई डोंट नो। ये जब फर्स्ट फ्लोर बना था, उसके बाद इसके ओनर जो कि इसे बना रहे थे, उनकी डेथ हो गई एंड ये इनकम्प्लीट रह गया। इसे बारा कमान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्लानिंग था कि ये 12th फ्लोर तक बनेगा। एज यू कैन सी, ये सब फर्स्ट फ्लोर ही है इसके पास अभी। ये कहा जाता है कि जब ये 3 फ्लोर लंबा होता तो ये एटलीस्ट गोल गुंबद के इक्वल होता। चलिए ऊपर जाके देखते हैं। कोई नहीं, वीडियो वीडियो खींच रहा था। एक राउंड मार के आना सर। हाँ पक्का। पूरी जिंदगी सो गाइस, ये आदिल शाह के बेटे की का मकबरा है एंड जो मेन मकबरा वहाँ पे दिख रहा है, दैट इज़ हिज फर्स्ट वाइफ एंड ये बाकी के 10 वाइफ, 10 ही है ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यस 10। सो 11 वाइफ का मकबरा विथ हिज सन। ये नीचे आने जाने का डोर बोला जाता था इसको, बिकॉज़ ये जो मकबरे हैं ये एक्चुअली ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल इसके नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट में है। एंड दिस इज द वे टू गो इनसाइड, एग्जैक्टली इसी तरीके से नीचे मकबरे बने हुए हैं। कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई एक्चुअली गोल गुंबद से काफ़ी ज़्यादा होने वाली थी, दैट इज़ द रीज़न उन्होंने इसको बनाने से मना कर दिया, या बोल सकते हैं रोका गया कि इसे नहीं बनाया जाएगा। क्योंकि इसके अगर ये 3 फ्लोर भी ऊंचा होता तो इसकी ऊंचाई गोल गुंबद के इक्वल हो जाती। सो उन्होंने जब भी फर्स्ट फ्लोर बना उसके बाद उन्होंने मना किया कि बारा कमान नहीं बनाया जा सकता, बट स्टिल ही सेट क्यों नहीं, मैं तो बनाऊंगा ही। एंड उन्होंने आकर अपने ही बेटे की हत्या कर दी। एंड ये सब इनकम्प्लीट रह गया। दिस इज अ गार्डन, और गार्डन के बाद काफ़ी सुंदर है, अगर ये कंप्लीट होता तो रियली काफ़ी अच्छा लगता। कहा जाता है कि ये पत्थर्स एक्चुअली इंटरलॉकिंग के साथ बनाए गए हैं, मतलब इनके बीच में होल करके आयरन के इंटरलॉकिंग की गई है ताकि पत्थर गिरे ना। एक जगह मुझे इंटरलॉकिंग दिखी थी, बट आई डोंट थिंक आई कैन शो यू फ्रॉम हियर, बिकॉज मुझे उसके लिए एक फ़ोटो खींच के जूम इन करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ है। शायद उन लोगों ने इंटरलॉकिंग के लिए आयरन क्लैप तो लगाया था, बट उसके ऊपर का पत्थर नहीं रखा।